सो गाइस ये है हमारा सिटी पार्क। देखो हमारे बोकारो का सिटी पार्क, मैं इसमें बहुत घूमी हुई हूँ और आप लोग को लग रहा है कि मैं यहाँ पे घर के आ रही हूँ, तो बस ऐसे ही मैं घूमने के लिए आ गई हूँ क्योंकि मुझे मन नहीं लग रहा था घर में, और तो मैं निकल गई घूमने के लिए। ये मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ता है, लाइक बहुत ज़्यादा ही दूर पड़ता है, बट घर में मन नहीं लग रहा था, चाबी था तो आ गई घूमने के लिए। देखो बहुत बड़ा पार्क है यार, बहुत और बहुत सुकून मिलता है सच में। अकेली आई हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, कोई भी नहीं, बस ऐसे ही टहलने के लिए निकली हूँ। टहलूँगी आधे घंटे तक, इधर से जाते जाते चाय पी लूँगी, ब्रश नहीं की हूँ तो कुछ खा नहीं पाऊँगी, वरना कचौड़ी वगैरह खा लेती, और घर चली जाऊँगी फिर। रुको दिखाती हूँ, उधर है डैफोडिल बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए है, और उधर तालाब है, वहाँ पे मेरा जब चैनल बंद हुआ था तो मैं बेहोश होकर के गिर गई थी, और तालाब के पीछे, मतलब उधर जो दिख रहा है ना, एकदम उधर जब मेरा चैनल बंद हुआ था। तो आप लोगों को लग रहा होगा ना कि मैं सिटी पार्क में इतना धूप में क्यों गई थी, मैं सच बताऊँ मैं 5:30 बजे गई थी, 6 बजते तक पूरा धूप निकल गया था सच में, और 7 बजे तक वापस घूम फिर के आ गई, और आते के साथ मम्मा पूजा करती है तो मैं खाना बना लेती हूँ, भाभी नहा रही होती है तो दाल बनाना थी तो मैं दाल बना रही थी। और फिर मैं जब छत गई तो देखी कि मम्मी तो ये कुछ कर रही है। आप लोग अगर बिहार से होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको चुरौरी बोलते हैं हम लोग। मामा पा रही थी गर्मी के दिन में, तो ये ऑब्वियस है भाई, दाल भात के साथ इसका होना बहुत मस्त है। यहाँ पे हमेशा माला जपते रहती हैं, क्या जपते हैं, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम, ये 24/7 माला जपते रहते। माला ले लो। तो आज है एकादशी और मेरी फ्रेंड जाती है मंदिर, तो मेरे को वो पूछने के लिए आई, दीदी चलिएगा क्या, तो मैं बोली चलो बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। पूजा पाठ से जैसे मेरा रिश्ता टूट चुका है, बट अब मैं पूजा पाठ पर ध्यान दूंगी। यहाँ पर मैं एक भगवान जी का मूर्ति, मतलब मंदिर टाइप का छोटा सा, और उसमें डेली पूजा करूँगी, ठीक है, अभी नहीं, रिलिंग मशीन बस आ जाए और यहाँ पे लग जाए मंदिर, ठीक है, तो चलो मंदिर चलते हैं। ओके आई एम नॉट गोइंग टू वेयर दिस, मैं कुर्ती पहन करके जाऊँगी, ठीक है। मैं डांस का वीडियो स्पीड इसलिए कर देती हूँ ताकि फिर कॉपीराइट ना आए सॉन्ग के वजह से। सो गाइस अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं और ये फास्टिंग पे है, मेरे से हिम्मत नहीं है, स्लेटे पेन चबाते चबाते दिन बीत जाता है, और ये है मुस्कान, हम लोग तीनों मंदिर जा रहे हैं और हम लोग पूजा करेंगे जा करके, ठीक है। गाइस उसका बॉयफ्रेंड है, दिन भर बतियाते रहती है, देखिए 24/7 ना। और ये देखो हमारे बोकारो का राधा कृष्ण मंदिर जास में है, यहाँ पे मैं रहती हूँ ना, उससे 7 मिनट का रास्ता है, ठीक है। मतलब यार ऐसा क्यों होता है कि मंदिर अंदर घुसने के बाद लगता है कि बस वहाँ पे ना बैठ जाऊँ बहुत अच्छे से, और बहुत देर तक बैठे रहो, मतलब
एकादशी था, चावल तो बनेगा नहीं, तो घर में आकर के देखी तो मम्मा दाल भर का पूड़ी बना रही थी। एक फ्री का ज्ञान दो, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, एकादशी के दिन फास्टिंग करना चाहिए, लेकिन अगर जो फास्टिंग नहीं करते उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। मैं सच बता रही हूँ, मेरी ये जो पार्सल ह्यूज स्टॉक आया है ना, ये मेरा ख़त्म होने वाला है क्रेविंग में भाई। मैं कसम से इतना ज़्यादा ही खा रही हूँ ना, मत पूछो, एडिक्ट हो गई हूँ अब, इसलिए मेरे को दूर रखना पड़ेगा, अपने रूम में नहीं रखूँगी अपना पार्सल मैं। वैसे तो कुछ कमी नहीं था, बट ये इसके आने से ना मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ। बहुत अच्छा लगता है ये लोग के साथ टाइम स्पेंड करना, बहुत ज़्यादा। पता है रात को ये मेरे साथ सोता है, लिटरली भागता भी नहीं है। मैं सोऊंगी और मैं ना एक गमछा बिछा देती हूँ, उस पे इसको सुला देती हूँ, मस्त सो जाएगा, बिल्कुल इधर उधर नहीं करेगा, बस मेरे पे चढ़ जाएगा, चढ़ करके इधर उधर घूमेगा, फिर आकर के बगल में सो जाएगा। बहुत एकदम इतना प्यारा है ना। हेलो बोलो सबको, हेलो बोलो, देखो कैसे बोलो, हाय तुम भी बोल दो तो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कोई बोलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो कुछ यूं इस तरह का है मेरा इस बार का स्टॉक। लॉन्ग स्लीव पैंट से सब टूट चुका है, रूफ सब टूट चुका है, कुछ कुछ बचे हैं, और बहुत दिन से पार्सल रखा हुआ था इसलिए टूट गया है, ठीक है। और फिर रात हो गया था और मैं चले गई अपने चुनमुनों के साथ सोने के लिए। बाय बाय, गुड नाइट।